जय धर्मेश दोस्तों, मैं सुखराम उरांव हिमाचल प्रदेश से, और हमारे बड़े भाई चित्रंजन उरांव के चैनलों से जुड़े रहने के लिए आप लोग को चलो दिखाते हैं यहाँ का सीन। जय धर्मेश। हाँ तो दोस्तों देखो, सीन दिखा रहा हूँ मैं। आज 8 अप्रैल है, सुबह की टाइम अभी 8:30 बजने जा रहा है, और ये हमारे झारखंड की दिशा है, जो कि झारखंड से हम लोग हिमाचल आते हैं। ठीक, धीरे धीरे मैं दिल्ली की ओर चल रहा हूँ, ये पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा हूँ आप लोग को सीन दिखाते हुए। ये सीन देखो कितना मस्त दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा हसीन सीन है। और इधर के लोगों को, घर मकान को देखो कितना डिजाइन बनाते हैं और कितना सुंदर बनाते हैं। देखो ऊंचे ऊंचे चोटी में जितने भी सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा फूल की तरह दिख रहे हैं, वो सारे मकान है। देखो इधर के लोग कितना हौसला के साथ में मकान बनाते हैं, कितना सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं। देखो मैं अभी फिलहाल तो मैं सीन दिखा रहा हूँ। देखो ऊँचे ऊँचे चोटी में जितना भी मकान है ना, वो सारे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे, सारे मकान ही है इधर पूरे ऊपर ऊपर तक। देखो इधर की दिशा में देखो, ये है लाहौल स्पीति बोलते हैं, इधर भी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर भी है, जैसे बायां हाथ में जैसे डंडे दिख रहे हैं उस कोने में पाकिस्तान है। और इस जो सीधी रूट में मैं दिखा रहा हूँ, जो कि ऊपर की चोटी में देखो हल्का हल्का बर्फ़ पड़ी है, जो कि शाम में बारिश हुई थी, अभी भी बर्फ़ इधर पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये लाहौल स्पीति जो सीधी दिख रहे हैं, उधर से ही नदी बह रही है, इधर दरिया जो कि बर्फ़ पानी आती है, जो कि उधर से लोग 6 महीने बर्फ़ के अंश से ढके रहते हैं, और 6 महीने का जो राशन पानी उनका अंदर ही रहता है, गाय भैंस सारे उनका अंदर ही रहता है, लोगों भी अंदर ही रहते हैं, सिर्फ धूप खाने के लिए ऊपर की मंजिल में निकल जाते हैं। आने जाने में तकलीफ़ होती है, तो इनको मतलब हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू करके हमारे हिमाचल प्रदेश में ले आके इन मरीजों को ठीक करते हैं इधर के लोगों को। और ये लोग अभी 6 महीने के बाद में अभी बर्फ़ सारे पानी पिघल के आ रहा है, और ये लोग को अभी ज़मीन खुला हो रहा है, वो लोग अभी आलू लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, मटर लगाएंगे अभी के सीज़न में, और वो लोग का आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा वो लोग का सब्ज़ी। देखो इधर का सीन कितना सुंदर दिख रहा है, इधर का मकान कितना सुंदर दिख रहा है, इधर का डिजाइन देखो कितना अच्छा अच्छा सुंदर दिखता है। और इस दिशा में भी देखो ऊंचे की चोटी में देखो कितना पहाड़ के ऊपर में देखो बर्फ़ पड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और इस पहाड़ के आगे जो जाएंगे तो वहाँ मणिकरण बोलते हैं, जो कि वहाँ गर्म सोता और ठंडा सोता, जो कि वहाँ गर्म पानी का भी कुंड है और ठंडा पानी का भी, वहाँ कितनों भी ठंडा हो मौसम हो आप बिल्कुल आसानी से जाके वहाँ नहा सकते हैं, और उस पानी में आप चावल को भी डाल दो तो तुरंत पक जाता है, वैसे गर्म है, उसको देखने के लिए मिलता है, लोग जाते हैं। मैं तो अभी नहीं गया हूँ, मैं जाऊँगा तो ज़रूर आप लोग को वीडियो दिखाऊँगा। और देखो ये ले जा रहा हूँ मैं पूर्व दिशा की ओर में, और देखो कितना मकान इधर के सुंदर सुंदर डिजाइनिंग दिखता है, कितना अच्छा सुंदर दिखता है, देखो कितना सुंदर लगता है इधर का मकान। और देखो मैं इधर का मकान का डिजाइनिंग में विशेष करके देखो कितना सुंदर हिट हिट बनाते हैं इधर के लोग मकान, जो कि मकान इसलिए लोग बनाते हैं ऐसा, जो कि बर्फ़ के सीज़न में जैसे बर्फ़ इसमें पड़े तो सीधे फिसल के नीचे गिर जाए इसलिए, और ऐसे सफ़ेद लेंटर में जैसे बनाते हैं इसमें बर्फ़ जम जाती है तो दिक्कत होती है, भारी हो जाती है लेंटर के लिए, छत के लिए, इसीलिए इधर के लोग ऐसे मकान बनाते हैं। देखो कितना सुंदर इधर लहसुन वगैरह लगाए हैं, कितना सुंदर इधर का पेड़ पौधा सारे, इधर नाशपाती बोलते हैं, अनार बोलते हैं, उस सब का बाग है, लेकिन अनार का बाग मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, इधर देखा तो वो रहा है अनार का बाग, और इधर देख रहे हैं आप लोग लहसुन टमाटर इस वगैरह का, इधर मेथी वगैरह का है। और ये जो खंभा आप लोग देख रहे हैं ये 5-6 फीट की खंभे है, जो कि खेत में लगाया गया है टमाटर के लिए, जो कि इधर टमाटर ऐसे लगाया जाता है जो कि 5-5, 6-6 फीट तक ऊंचाई में इधर का पौधा बढ़ता है और इधर का टमाटर होता है। इधर का लोगों ने हमारे जैसे 1000 रुपया 2000 का नहीं बेचते हैं, इधर के लोगों ने सीज़न में मंडी में ये लोग 8-8 लाख 6-6 लाख 5-5 लाख का बिजनेस करते हैं इधर के लोग। देखो कैसे खंभे लगाए हैं, इसमें ये लोग रस्सी टानेंगे जैसे सीधी सीधी, मतलब ये लोग खंभे लगाए हैं वैसे ये लोग रस्सी ले जाएंगे इसमें, उसके बाद में रस्सी के द्वारा वो लरंग बोलते हैं, लरंग की तरह वो चढ़ता जाएगा और उसको टिकाया जाएगा और उसमें फल आएगा इस ये लोग का। और इसमें कितना भारी मात्रा में ये लोग बिजनेस करते हैं और अच्छा टमाटर होता है। तो ये दरिया की सीन है, अब मैं आप लोग को इधर का दरिया कैसा है, दरिया का भी सीन आप लोग को दिखाता हूँ। इधर का दरिया का सीज़न अभी बहुत खलबली है और इधर का दरिया खूबसूरत अभी बह रहा है देखो बिना बारिश के सीज़न में, तो चलो आप लोग को दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो इधर दरिया भरने के बाद में देखो लोग कैसे साधन बनाते हैं इस पार से उस पार होने के लिए, ये लोहे की रीढ़ी है जो कि इसमें लोग चढ़कर इधर दरिया के पार हो जाते हैं, क्योंकि पानी भारी मात्रा में इधर बहती है
और देखो एरिया कितना बड़ा एरिया है भाई, और देखो काफ़ी मात्रा में इधर दरिया बह रही है, और दिखने को एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है। देखो कितनी बड़ा एरिया है जो कि इसमें पानी भर जाती है। अभी गर्मी शुरू नहीं हुआ है, जो कि सारे बर्फ़ की पानी है, और बर्फ़ की पानी इस जोरदार से बह रही है। देखो दरिया कितना तेज बह रही है, जो कि इसमें फिसलहट पत्थर है, गोला पत्थर है, जो कि लोग आगे पार नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये साधन बनाए हैं इधर के लोग। इस तार के माध्यम से रीढ़ी द्वारा पार होते हैं और इस ओर से उस छोर को जाते हैं, जो कि लोग आसानी से पार हो जाते हैं रीढ़ी के माध्यम से। और देखो दरिया कितना जोरदार बह रही है, इसी में टूरिस्ट लोग, जो कि अंग्रेज लोग, विदेशी लोग आते हैं और कितना सुंदर से नौका, वाटर प्रूफ वाला नौका चलाते हैं और आनंद लेते हैं इस दरिया का। हाँ तो दोस्तों देख रहे हो दरिया का आनंद कितनी अच्छी लग रही, कितनी सुनहरा एकदम सुंदर सा दरिया बह रहा है, जो कि देखो आदमी को भी घसीट के ले जाएगा, ऐसा ये दरिया बह रहा है जो कि पता नहीं लग रहा है अभी। और इसका आवाज़ कितना सुंदर आ रहा है, देखो टूरिस्ट गर्मी में आता है, अभी तो देखो गर्मी भी नहीं है फिर भी इतना पानी बह रही है, जब गर्मी आ जाएगी तो पूरे इधर की एरिया ढक देती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, अंग्रेज देश विदेश के लोग यहाँ टूरिस्ट में आते हैं गर्मी में, और वाटर प्रूफ नौका चलाते हुए देखो कितना आनंद लेते हैं इस पानी में, देखो कितना सुंदर बह रही है। हाँ दोस्तों तो देखो ये दरिया बह रही है कितना सुंदर, ये सारे बर्फ़ की पानी है, ऐसे आम वर्षा वाली पानी नहीं है। देखो मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, इसलिए मैं आज इतना ही दिखाता हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई चित्रंजन उरांव बड़े भाई को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप लोग को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत धन्यवाद जय धर्मेश।